हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कृष्णा पॉइंट। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टेंट टैप गीजर के बारे में, जिसमें कि एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी काफी व्यूअर्स ने मुझसे करके पूछा है कि हम इसको खरीद के ले तो आए, लेकिन हमारा ये चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो चालू नहीं हो रहा है, आपका गीजर खराब है या कोई और प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में आज बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा गीजर चालू है या नहीं है, और उसको किस तरीके से ठीक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार हम ले तो आते हैं, बट हमारा जो वाटर का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हमारा जो पानी का टैंक है वो थोड़ा नीचे रखा हुआ होता है, इसलिए पानी का प्रेशर आ नहीं पाता पूरा, उसकी वजह से चल नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, जब वो नहीं चलता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा वाटर टैप गीजर है। ओके, जैसे कि मैंने इसको ऑन किया फ्रेंड्स, तो ये क्या हो रहा है कि अभी चालू नहीं हो रहा। अब इसमें क्या हमें चेक करने का मैंने तरीका बताया था पिछली वीडियो में, इसको दबाने पे क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, चालू हो गया क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ चुका है। अब फ्रेंड्स, इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसमें तो फ्रेंड्स, इसमें एक प्रेशर स्विच लगा हुआ होता है, और वो प्रेशर स्विच को हमारे ऑन नहीं कर पा रहा है। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको ब्लैक ब्लैक सी रिंग दिखनी होंगी दो, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि एक तो राइट साइड का है, एक लेफ्ट साइड का है। तो आपको लेफ्ट साइड वाला रिंग इस तरीके से, ये व्हाइट वाला, इसको ऐसे खोल लेना है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये पूरा सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहां पे क्या होता है, इस जगह पे फ्रेंड्स ये जो है आपका, ओके, ये प्रेशर स्विच की पत्तियां हैं। ठीक है, जब प्रेशर स्विच इधर से इसको पुश करता है, तो ये नीचे वाली पत्ती इस वाली ऊपर वाली पत्ती को क्या करती है, टच करती है। तो टच करते ही क्या होता है, हमारा प्रेशर स्विच ये ऑन हो जाता है। तो मैं अभी इसका पावर ऑफ करके और इसको हल्का सा धक्का दूंगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसका डिस्टेंस दोनों का कम हो जाएगा, तो प्रेशर स्विच थोड़ा सा जो काम कर रहा है उससे हमारा सर्किट चालू हो जाएगा। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो आपका स्टेप है, ओके, पत्ती जो है इसको हल्के से ऐसे करके दबा देना है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, दबाने के बाद में अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको चालू करके देखते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, इसको मैंने ऑन किया, और ऑन करते ही क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये चालू हो चुका है और गर्म पानी हमारा आना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये उधर से प्रेशर स्विच का कमाल था, कोई मैजिक नहीं है फ्रेंड्स, ये प्रेशर स्विच का कमाल है। और प्रेशर स्विच जैसे हमने इसको थोड़ा सा दोनों का गैपिंग कम किया, तो हमारा प्रेशर प्रॉपर हो गया और वो चालू होने लगा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ठीक करना है फ्रेंड्स। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपका प्रेशर मान लो बहुत ज्यादा ही कम है, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं उसको और बता देता हूँ आपको। इसको दबाने पे ही आपका अगर मान लो कि चालू नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि देखिए, इस वाली स्ट्रिप में और इस वाली स्ट्रिप में दो वायर्स लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये वाला जो वायर है इसको खोल करके इसमें लगा देना है, इस वाले में। ठीक है, इस वाले वायर को इसमें खोल देना है, तो क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, फिर क्या होगा, आपको ये डायरेक्ट हो जाएगा, आपको ठंडा पानी नहीं देगा, ये आपको सिर्फ ये गर्म पानी ही देगा, क्योंकि इसे डायरेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, खराब होने से अच्छा है कि इसका यूज कर लिया जाए। आपने देखा किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की मैंने, पहला मैंने आपको बताया इस टिप को हल्का सा धक्का देकर के उसकी गैपिंग कम करनी है। ओके, अगर उससे भी चालू नहीं होता है, तो फ्रेंड्स उन दोनों पत्तियों पर जो वायर लगे हुए हैं उन दोनों को एक साथ कर देना है। ओके, एक को खोल के दूसरे के ऊपर लगा करके टाइट कर देना है, तो आपका जो गीजर है वो डायरेक्ट चलने लग जाएगा। डायरेक्ट में आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा, उसमें गर्म पानी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मान लो आपका प्रेशर स्विच खराब हो गया है, तो उसको फेंकने के बजाय आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को।